नमस्कार, मैं मनोज चतुर्वेदी नेशन भारत से। हमारे साथ पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल जी हैं और करीब 2 महीने के बाद लॉकडाउन में वो भी दिल्ली में फंसे थे, लौटे हैं। कुछ हम सवाल उनसे करते हैं और देखा जाए, रामकृपाल जी से ही पूछते हैं कि लॉकडाउन पे उनको क्या वहाँ पे असुविधा महसूस हुई और अपने क्षेत्र में आकर वो कैसा महसूस करते हैं। रामकृपाल जी, लॉकडाउन 4 जो है चल रहा है, सरकार ने कुछ छूटें दी हैं जनता को, लेकिन आप अभी अपने घर में हैं, होम क्वारंटाइन है। डीएम को आपने बता दिया है कि दिल्ली से लौटे होम क्वारंटाइन है, लेकिन विभिन्न मीडिया के मार्फत से आपको न्यूजें मिल रही होंगी। ये जो अभी जनता घूमना शुरू कर दी है रोड पे, इसका क्या नतीजा आप देखते हैं? देखिए, बिहार का दुर्भाग्य है, इतनी बड़ी भारी संख्या में बेरोजगारी और गरीबी के मार झेलते हुए लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए बाहर गए। पूर्ववर्ती सरकार, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी, इसका पाप जो है वो अपनी जनता को भोगना पड़ा है। अगर बिहार के सरकार और भारत की सरकार बिहार की जनता के आवश्यकता के अनुसार रोजगार का अवसर पैदा किया होता तो शायद ये दुर्दशा आज नहीं होती। लोग नहीं जाते और आज भूखे नंगे नहीं रहते। बहुत पीड़ा के साथ मैं बोल रहा हूँ। लेकिन रामकृपाल जी, एक तो बात जरूर है, आप दिल्ली में मैंने भाजपा के सांसद हैं, दिल्ली में रहे, प्रधानमंत्री ने जितनी घोषणा की, पैकेज दिया है, और जो मजदूर, क्या यहाँ पे जो बिहार के अपने प्रवासी मजदूर जो पैदल लौटना शुरू किए थे, भगदड़ मच रही थी दिल्ली से लेकर चारों तरफ, आप देख रहे थे, क्या इसमें कुछ ऐसे तत्व भी थे जो जानकर, जैसा आपने दिल्ली में देखा टर्मिनल पे सब लोग जुड़ गए, एक दिन लाखों लोग जुड़ गए, लोगों को भड़काने का काम किसी तत्व ने किया, पार्टी ने किया? जो पॉलिटिकल पार्टी के विरोधी लोग हैं उन्हें मिसगाइड किया मजदूरों को, आम लोग, और गलत गलत सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से देने का काम किया, और यही कारण है कि आप देख रहे होंगे बड़े पैमाने पर लोग जुटे। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अच्छा काम किया, उनको बस से पहुँचाया, और फिर बाद के दिनों में बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत इनिशिएटिव दिया इसमें। मैं बताऊं कि पूरे देश के पैमाने में सबसे अधिक प्रवासी मजदूर अगर है तो बिहारी है। हमको लगता है 25-30 लाख से ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। और उत्तर प्रदेश का भी है बहुत लोग, झारखंड का ये जो प्रदेश से इससे लोग ज़्यादा जाते हैं काम करने के लिए, पेट की मार लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो यहाँ रोजगार के अवसर होते तो लोग नहीं जाते। कौन छोड़ता है अपने परिवार को, कौन छोड़ता है अपने माँ बाप को, पत्नी को, बेटा को, कौन छोड़ता है, कौन नहीं चाहता है। बहुत मजबूरी है। और अचानक जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे जो उद्योग थे बंद हो गए, कर कारखाना बंद हो गया, निर्माण कार्य बंद हो गया, अफरा तफरी मच गया और खाने की भूख परेशानी हुई। राज्यों की सरकार का यह दायित्व था जो वहाँ से भागना प्रारंभ किया लोग, क्योंकि हर दिन उसको 500 फोन आता था मिनिमम। पाटलिपुत्र के लोग तो करते ही थे, इसके अलावा बिहार के लोग भी करते थे। जी हाँ, हमने देखा भी था कि पंजाब से लेके कहाँ कहाँ के लोग के फोन आपके पास। तो समस्या काफी विकराल रूप ले ली थी। राज्यों का यह दायित्व था, जिस राज्य में प्रवासी मजदूर थे उनको दायित्व था कि उनको संतुष्ट करता, उनको खाने की कम से कम व्यवस्था करता। लोगों ने किया भी, मैं उससे असहमत नहीं हूँ। और हालांकि भारत की सरकार ने ये डायरेक्शन दिया, प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने अपील किया, अब किरदार के रूप में हैं तो उनको मत तंग कीजिए, मकान मालिक को, जो उद्योग में काम कर रहे हैं उनको मत भगाइए, उनसे काम मत छीनिए, उनको कुछ पैसा दीजिए, कई तरह की बातें हुई। और बावजूद इसके जो काम होना चाहिए था वहाँ की सरकारों के माध्यम से, उद्योगपतियों के माध्यम से, वो शायद नहीं हो पाया, और यही बड़ा कारण था। और एक मन में लोगों को लगा कि हमको घर जाना है, और सब लोग घर की तरफ जाना चाहते थे। राज्य की सरकार ने, भारत सरकार ने एहसास किया, राज्य की सरकार, मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया, अपील किया, उप मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया, अपील किया, क्योंकि सरकार जब अपने गाइडलाइन के माध्यम से ये छूट दिया कि आप बस से ला सकते हैं तो बस से लाना संभव नहीं था। रेल की मांग की तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर गौर फरमाया और रेल जाने की इजाज़त दे दी,
तब बहुत राहत हुआ। अभी भी बड़े पैमाने पर पहले खाने के लिए लोग फोन कर रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार सरकार के अधिकारियों का, विभिन्न राज्यों के अधिकारियों का, सरकारों को, जिन्होंने आमतौर पर मेरे शिकायत को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, और बिपिन जी हैं वहाँ के आरसी, उनको विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं। हर दिन मैं सैकड़ों कंप्लेन करता था, शिकायत जो उनके नोटिस होने वाला था उसको इम्प्लीमेंट करते थे और लोगों को खाने की व्यवस्था करते। हम विभिन्न राज्यों में जो हमारे सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, ये हमारे भी, हमने भी ये दिखाया था, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ भी हमने फोन किया या बिहार से जिन लोगों ने फोन किया होगा उसको नोटिस में ले करके उसको खाने की व्यवस्था करने का काम। अब जो आने का अफला तफरी मच गया तो ट्रेन चल रही है, हमको लगता है 10 लाख से कम लोग नहीं आए होंगे। लोगों का धैर्य खो दिया, पद आने लगे, साइकिल से आने लगे, जो सवारी मिला उससे आना प्रारंभ कर दिया, और 100-1200 किलोमीटर चल करके इतना लोग इस टायर में छाले पड़ गए। अगर वो धैर्य से रहते, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था, तो एक एक करके उत्तर प्रदेश की सरकार भी, योगी जी ने भी काफ़ी हद तक बहुत काम किया है, बस दिया, ट्रेन दिया, सब दिया, बिहार में भी लगातार देख रहे हैं ट्रेन। और अब पहले के जो समस्या थी वो निदान हुआ। आपने देखा होगा भारत सरकार 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज भी दिया मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों के लिए। यहाँ प्रवासी मजदूर आएंगे क्या करेंगे? राम की बात इसी बात में आ रहा था कि 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है प्रधानमंत्री जी ने दिया है, बिहार सरकार भी बड़ी खुश है कि उसके जो प्रवासी मजदूर यहाँ आए हैं मनरेगा के तरफ मनरेगा के तहत जो है बिहार सरकार ने कार्य दिवस को डबल कर दिया, मजदूरी भी कुछ बढ़ा दी, और बिहार सरकार और जो श्रमिक है वो काम में लग भी गए। तो ये 20 लाख करोड़ के पैकेज का कितना मिलेगा और बिहार कितना आगे बढ़ेगा? जबकि बहुत से बिहार के मंत्रियों ने भी कहा, बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी ने भी कहा कि एक मॉडल अब बनेगा बिहार जो है कृषि के क्षेत्र में, जिससे मखाना उद्योग को सपोर्ट मिला है, छोटे छोटे उद्योगों को सपोर्ट मिला है, इसके बारे में आपका क्या? देखिए, बिहार के सरकार या देश की सरकार, एक तो मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ, सबसे अधिक लाभ 20 लाख करोड़ रुपया में बिहार को मिलने वाला है। 40,000 करोड़ रुपया का अतिरिक्त आवंटन मनरेगा में हुआ, 61,000 रुपया पहले से जनरल बजट में था। आपने ठीक कहा, राशि भी मजदूरों का जो मजदूरी था वो बढ़ा दिया गया, कार्य दिवस 100 से 200 दिन कर दिया गया कई। तो जहाँ सबसे अधिक मजदूर है वहीं सबसे अधिक लाभ मिलेगा ना। अब राशन मुफ्त में राशन मिला 5-5 किलो, फिर प्रवासी मजदूरों के लिए अलग से राशन मिला मुफ्त में, पैसा दिया गया उनके अकाउंट में, जो जनधन योजना से जुड़ा हुआ अकाउंट था उसमें पैसा दिया गया, तो कई जिसकी नंबर्स ज़्यादा रहेंगे उसको ज़्यादा फायदा होगा। छोटे उद्योगों के लिए, किसानों के लिए, सबके डायरेक्ट खाता गया, पेंशनधारियों के लिए, अरे कई चीज़ें जिसका अगर मैं जिक्र करूँ तो लंबा हो जाएगा, तो उसमें बहुत लाभ मिलने वाला है और मिला है बिहार की जनता को भारत की सरकार के उस पैकेज के माध्यम से। और मैं समझता हूँ कि लोकल और भूकल की बात, मखाना की बात कही जा रही है, जो आयुष विभाग के माध्यम से जो दवा से जुड़ा हुआ जो जड़ी बूटी है उसके उत्पादन करने गंगा के बेल्ट में, नदी के किनारे का बेल्ट में उसको दिया जाएगा, बहुत कुछ किसानों को भी लाभ मिलने वाला है। और मैं समझता हूँ कि राज्य की सरकार ने भी अपने स्तर पर लोगों को 1000 रुपया दिया, और भी कई तरह का अभी क्वारंटाइन हो रहा है, भोजन की व्यवस्था करने का काम किया है, दवा व्यवस्था किया जा रहा है, मास्क की व्यवस्था की जा रही है, सैनिटाइजर की व्यवस्था किया जा रहा है, जो हॉस्पिटल है उसमें अनुकरण की व्यवस्था की जा रही है, और सबके लिए भारत की सरकार ने पैसा दिया है, राज्य सरकार ने भी पैसा देने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी राहत मिलने वाली है बिहार की जनता को, और अब तो उद्योग वगैरह भी प्रारंभ कर दिए गए हैं, बहुत ऐसा उद्योग जो शुरू हुआ बंद हो गया क्योंकि मजदूर तो वहाँ वापस चले गए हैं। मुझे लगता है कि कोरोना से लड़ तो रहे हैं हम लोग, अभी लड़ना पड़ेगा, निकट भविष्य में कोरोना समाप्त नहीं होने वाला है, और
कोरोना से लड़ करके हम लोग जनता की इतनी ताकत है कि हम लोग पराजित करेंगे। मैं चिंता का विषय यह है कि विगत दिनों में जो प्रवासी मजदूरों की संख्या बढ़ी, कोरोना अफेक्टेड जो संक्रमित लोग हैं उसकी भी संख्या बढ़ गई है, ये एक चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय है रामकुमार जी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने कहा है और आपने भी अभी कह ही दिया कि हमको इसी के साथ जीना पड़ेगा, और लेकिन हमें क्या है कि दूरी बना के रखने पड़ेगी और इससे बचाव ही मेन सुरक्षा का उपाय है। बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं और आप भी आज दोहरा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें और दूसरा कोई उपाय नहीं है क्योंकि हमको वैक्सीन नहीं मिल पाया। जो वैज्ञानिक हैं, जो विद्वान जन हैं, पूरे दुनिया का, भारत का लोग लगे हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने उनको प्रोत्साहित किया है, धनराशि आमंत्रित करने का काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि मगर तत्काल अभी कुछ नहीं है। उपाय यही है, दो गज दूरी लगाना है, वो आपकी मजबूरी ही है, लेकिन राम और मास्क लगाना है, लेकिन राम कृपाल जी शारीरिक दूरी बनाना है। प्रवासी मजदूर आपके यहाँ आए, आपने कार्य भी देने की उनकी कोशिश शुरू कर दी है बिहार सरकार ने, लेकिन आप ये मानते हैं कि जो प्रवासी मजदूर दूसरे शहरों से लौट के आए हैं, जो आज दूसरे शहर चकाचौंध में रहते हैं, क्या इस बिहारी प्रवासी मजदूरों के लौट के आ जाने के कारण उस शहरों का, उस राज्यों की तरक्की कहीं नहीं रुक गई? देखिए, असर तो पड़ने वाला है। आपको एक बात याद होगी, जबकि भाजपा की सरकार जब महाराष्ट्र में थी तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जितनी बड़ी बड़ी इमारतें और सब कुछ दिखता है, मुंबई की तरक्की में बिहारवासियों का हाथ है। तो आप ये नहीं मानते कि कहीं ना कहीं बिहारी मजदूर जब नहीं पहुंचेंगे तो इस तरक्की पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा? मैं तो बोल ही रहा हूँ, आर्थिक गतिविधियाँ चालू करने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारी दुकानें भी खुली है, सब कुछ हो रहा है, और बड़े पैमाने पर मैंने अभी आपको कहा जो जो खुले हैं वो भी पूरे तौर पर नहीं चल पा रहा है क्योंकि मजदूर वहाँ से प्लान कर चुका है, तो उनकी तरक्की में, उनकी उन्नति में, उनके विकास में अवरोध तो होगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो बेचारे मजदूर हैं ये वापस जाएंगे, फिर से लौटेंगे। हाँ, बहुत से मजदूरों ने तो कहा है रामकृपाल जी कि ना अब हम लौटना नहीं चाहते। जो पीड़ा सहा है जी, जो दर्द सहा है, जो तकलीफ सहा है, उसके मन में यही भाव आ रहा है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, मगर सब सामान्य हो जाएगा और कोरोना भी परास्त होगा और हम लोग पुनः आत्मनिर्भर होंगे, जिसके लिए प्रधानमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बने, उसके तरफ आपने देखा होगा कि कई तरह का पॉलिसी में, कई तरह के नीतियों में बदलाव होने वाले हैं, बहुत जल्द बदलाव होंगे और बहुत इन्वेस्टमेंट भी आने वाला है, बहुत कंपनियां आने वाली है कि चाइना से उपचे का है लोग, तो वहाँ के भी लोग आने वाले हैं, उसके लिए सरकार आकर्षण का केंद्र बने, उसके लिए पॉलिसी नए नए तरह का उनको प्रोत्साहित के लिए, प्रोत्साहित के लिए बहुत सारे कदम उठाए कि चर्चा करने को बल लंबा होगा। बिहार आत्मनिर्भर बनेगा, उसके साथ ही देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। बहुत सी पॉलिसियां जो है इस लॉकडाउन के बीच में भारत सरकार जो है लेकर आई है, माननीय रामकृपाल यादव जी ने केंद्र सरकार का भी धन्यवाद दिया और स्पेशली धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री मोदी का। वो कारण ये था कि जो 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज मिला है उसमें बिहार को उससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। मैं मनोज चतुर्वेदी, स्टूडियो आपको वापस। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।